हमारे पास राज्य का दर्जा था और डोगरा आइडेंटिटी थी, हमारी डोगरा स्टेट थी महाराजा हरि सिंह जी की, वो आपने हमसे हमारी आइडेंटिटी छीन कर आपने यूटी बना दिया, आपने सबसे बड़ा तो बेइज्जती डोगरों की की, फिर हमें कोई परवाह नहीं है, फिर हम आप उसको 370 हटाओ, 390 करो, 340 करो, हमें कोई लेना देना नहीं है, ये तीन चीज़ें हमें चाहिए। बीजेपी ने ये हमसे हटाकर यहाँ के युवाओं के साथ धोखा दिया है। और अगर ये बोलें एक संविधान एक विधान अगर वैसी बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जी ने वहाँ पे लोकल यूथ के लिए रिजर्व कर दी सर, हरियाणा में लोकल यूथ के लिए इन्होंने लोकल यूथ के लिए गवर्नमेंट सरकारी नौकरियाँ रिजर्व कर दी। तो हमारे पास जो सालों से जो महाराजा जी ने ये कानून लाए थे, ये आपने हमसे क्यों छीना? ऐसी क्या दुश्मनी है आपके जम्मू कश्मीर के युवाओं से कि इनके हक आप इनसे छीन रहे हो? इसकी लड़ाई तो हम लड़ेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंशी शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। यूथ कांग्रेस द्वारा आज रियासी के गीतानगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के यूथ कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि यूथ कांग्रेस एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रही है जिस कार्यक्रम का नाम कॉल फॉर यूथ इन पॉलिटिक्स रखा गया है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भानु चिप जी, इनसे बातचीत करते हैं और इनके नए कार्यक्रम के बारे में जानते हैं और इसके अलावा भी तमाम सवाल इनसे करने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। सर, सबसे पहले तो बात करेंगे जो कार्यक्रम आपने शुरू किया है कॉल फॉर यूथ इन पॉलिटिक्स, क्या कार्यक्रम वो है और किस तरह से यूथ को आप कांग्रेस के साथ जोड़ेंगे या पॉलिटिक्स के साथ जोड़ेंगे? देखिए, अक्सर क्या होता है मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज में जो लोग राजनीति से संबंध रखते हैं उन्हीं की ज़्यादातर आगे वाली जनरेशन या फिर उनके रिलेटिव्स को अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है उस पॉलिटिकल पार्टी में आने का। लेकिन यूथ कांग्रेस की तरफ से हमने ये पहल की है कि जो युवा जो सच में लोगों की आवाज़ उठाना चाहते हैं, उनके मसलों को उठाना चाहते हैं और भारत को और एक अच्छा देश बनाने में मदद करना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिलवाने के लिए एक मुहिम हमने शुरू की है जिसका नाम है कॉल फॉर यूथ इन पॉलिटिक्स। और ये पूरे देश भर में अभी चल रही है, जिसके करते अभी चार दिन पहले हमने जम्मू में भी इसकी लॉन्चिंग की थी और आज रियासी में भी आए हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में करेंगे। इसमें हम प्लेटफॉर्म देंगे और एक मौका देंगे हर एक यूथ को जो IYC के इंडियन यूथ कांग्रेस के मंच में आए, उसके अहदेदार बने, स्पोक्स पर्सन बने, ऑफिस बेयरर बने और जो जनता है उनकी जो परेशानियां हैं वो जनता तक पहुंचाए, प्रशासन तक पहुंचाए, जिससे लोगों की जो कठिनाइयां हैं वो कुछ हद तक कम हों। यही जी, तो हमने देखा है सर, जिला रियासी की ही बात करूँगा, यहाँ पे बड़े सारे जो पद होते हैं वो खाली रहते हैं, चाहे यूथ कांग्रेस की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो वो भी नहीं भरे जाते हैं। एक रोष भी कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिलता है जो शायद आप तक भी पहुँचता हो लेकिन पब्लिकली वो ऐसी नहीं बोलते हैं, वो दबे मन से ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। तो क्या जो तमाम पद हैं बनने भी जा रहे हैं या यूथ कांग्रेस द्वारा भरे? देखिए, जो आप कह रहे हैं पद काफ़ी देर तक खाली रहे तो वो तो मैं पर्सनली मानूंगा कि वो अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ DDC इलेक्शन चल रहे थे उसके चलते सभी लोग प्रचार में व्यस्त थे और उस पर इस पर ज़्यादा वो काम नहीं कर पाए, ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन अब DDC चुनाव ख़त्म हो चुके हैं और जो पद की बात है ये बिल्कुल ठीक बात है, अगर हमारे पास लोग जुड़ना चाहते हैं तो हमारा काम है उनको प्लेटफॉर्म देना। और आज मैं खुद यहाँ आया हूँ और सबसे बड़ी बात है हमारे दिल्ली के नेशनल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस के जगदेव गागा जी आज हमारे साथ हैं, रियासी आए हुए हैं और उसका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़ सकें और जिस पोस्ट की बात कर रहे हैं वो भर सकें। और हमने टाइम दिया है और हमें लगता है आने वाले 4-5 दिन में यूथ कांग्रेस की ब्लॉक कमेटीज़ भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये जो कार्यक्रम है आपका कॉल फॉर यूथ इन पॉलिटिक्स, क्या लगता है ये यूथ कांग्रेस के अच्छे दिन ला पाएगा? देखिए, यूथ कांग्रेस के जो संगठन है ये एक परमानेंट एक प्रोसेस है। संगठन का काम है, जैसे यूथ कांग्रेस है हमारी विचारधारा है, जो संविधान जो भारत का है मान लीजिए वही हमारी विचारधारा है। लेकिन इसमें अच्छे दिन बुरे दिन हम इस तरह से ही कहेंगे कि हमारी पार्टी की सियासत है, सरकार है तो अच्छे दिन हो गए, ऑपोजिशन है तो बुरे दिन। लेकिन बात यह है कि हमें अपना काम करते रहना है, सरकार बनती भी है नहीं भी आती है लेकिन जो संगठन है। अभी तक क्या लगता है कि यूथ कांग्रेस अपना काम सही से नहीं कर पाया? क्योंकि DDC के जो रिजल्ट आए उसमें भी हमने देखा कि कांग्रेस के हक में लोग नहीं दिखे और जो नतीजे हैं वो आपके हक में नहीं दिखे, तो कमजोरियाँ थी और उन्हीं कमजोरियों पर मंथन किया गया और उसके बाद ही ये प्रोग्राम लाया गया। देखिए,
हम लोगों को रोष था बीजेपी के खिलाफ, इसमें कोई दो राय नहीं है, और फिर भी बीजेपी ने काफ़ी सीट्स ली, ये हम सब जानते हैं। तो ऑफ कोर्स मंथन की तो ज़रूरत है, और काफ़ी चीज़ें हैं जो सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है। जब एक ऑपोजिशन काम करती है तो उसके साथ सिर्फ ऑपोजिशन नहीं, बाकी भी देश के इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम करते हैं। उसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का भी होता है, उसमें सबसे बड़ा रोल जुडिशरी का भी होता है, और बाकी इंस्टीट्यूशंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सब ये सब जब ईमानदारी से काम करते हैं तो एक अच्छी ऑपोजिशन भी होती है, एक अच्छी डेमोक्रेसी भी होती है। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि जुडिशरी पे भी एक सवाल उठे हैं, बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, उठे हैं। जब दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जब हाई कोर्ट के जज ने एक फैसला करना चाहते थे बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, और रात के 12 बजे अगर किसी हाई कोर्ट के जज की ट्रांसफ़र होती है तो आरोप तो अपने आप लग जाएगा, तो उसमें भी प्रश्न चिन्ह उठता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मंथन हम ज़रूर कर रहे हैं हम अपने आप को। अब 4G आपने अभी तक जम्मू कश्मीर ने लगाया, 2G लगाया है, क्या क्या कारण है कि आपके बावजूद भी भाजपा जीत गई? हाँ जीत गई, लेकिन कारण क्या है कि आप जो बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हो या हम जो आवाज़ उठा रहे हैं वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचे? ठीक है, आप 2G भी हटा दो, हम लोगों के घर घर तक जाएंगे, लेकिन ये नहीं है कि आप कुछ लोगों को कुछ समय तक बेवकूफ़ ज़रूर बना सकते हो, लेकिन सभी लोगों को हर समय बेवकूफ़ बनाना मुश्किल ही नामुमकिन है। यहाँ तक कांग्रेस की बात करें, हमारा अगर लोकसभा से कंपैरेटिवली अभी अगर वोट शेयर देखेंगे वो ज़रूर बड़ा है, काफ़ी युवाओं ने भी वोट डाला है, लेकिन चाहे जो मर्जी परिस्थिति हो, जो लोगों के मसले हैं वो लोगों तक लेकर और उसको उठाने का काम यूथ कांग्रेस और कांग्रेस आने वाले समय में भी करेगी। और मुझे पूरा यकीन है अगर इस घमंड के चूर में बीजेपी रहेगी पिछले 1-2 साल से जो उन्होंने घमंड रखा है, और जनता की आवाज़ अभी भी नहीं सुनेंगे, पब्लिक की आवाज़ अभी नहीं सुनेंगे, तो आने वाले समय में इनकी वोट परसेंटेज कम तो ज़रूर हुई है लेकिन असेंबली इलेक्शंस में बिल्कुल बुरा हाल हो जाएगा। तो क्या नए चेहरों को मौका दिया जाएगा यूथ कांग्रेस में, या पुराने चेहरों पर भी फिर से विश्वास किया जाएगा? नहीं, यूथ कांग्रेस में तो हम आए ही नए लोगों को मौका देने हैं, वही, और ये जो हमारा प्रोग्राम है कॉल फॉर यूथ इन पॉलिटिक्स वो है ही न्यू कमर्स के लिए। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा पद होंगे उनमें किन लोगों को मौका दिया जाएगा? पुराने लोगों को पर ही विश्वास करेंगे जो यूथ कांग्रेस से पहले के जुड़े हैं, या कुछ नए चेहरों को भी? नए लोगों को, क्योंकि हमारा है 35 साल से ऊपर, हम यूथ कांग्रेस से, जो जिसका 35 साल से ज़्यादा उम्र है उनको हम कहते हैं, वो फिर सीनियर कांग्रेस में चले जाते हैं। तो ऑफ कोर्स जो नए लोग हैं उन्हीं को मौका, कोशिश हमारी रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा वही आएँ। हाँ, अगर कोई सीनियर 35 से नीचे है तो उनके लिए हमारे दरवाजे यूथ कांग्रेस के खुले हैं, लेकिन जो 35 से ऊपर हो गए हैं वो मेन कांग्रेस में जाएंगे। तो सर, हमने देखा है कि भाजपा के जो यूथ कार्यकर्ता है, तमाम रैलियाँ इलेक्शन के टाइम पर हमने देखी, झंडे डंडों के साथ बाइक रैली हमने देखी, तमाम प्रचार और हवा बनाने की कोशिश जो यूथ बीजेपी के, जो युवा मोर्चा के उनके कार्यकर्ता थे उन्होंने वहाँ पे किया, लेकिन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं दिखे, जमीनी सतह पर नहीं दिखे, पूरे ज़िले की अगर बात करें तो बेहद कम दिखे, जिसका रिजल्ट भी दिखा कि आपको सीटें नहीं मिली। तो क्या मानते हैं कि एक्टिव नहीं है आपके कार्यकर्ता, जिला रियासी की खासकर बात करूँगा? देखिए, मैं सिर्फ रियासी की नहीं पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूँगा, और एक्टिव हैं उसका प्रमाण मुझे तब मिला था जब कोविड की समस्या पूरे देश भर में आई थी, पूरी दुनिया में आई थी, और यूथ कांग्रेस ने जो काम किया, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी चेक कीजिए, एक एक कार्यकर्ता ने अपनी हैसियत से ज़्यादा अपने घर से अपना पेट काट कर जो लोग हैं जो तकलीफ़ में थे उनकी मदद करने का काम किया, और ये एक सेवा के भाव से जो काम किया यही संगठन का काम है, जिस तरह से मैंने कहा सरकारें बनती हैं। यहाँ तक इलेक्शन की बात है, बाइक रैलीज़ की, झंडा डंडे की बात है, हाँ, यूथ कांग्रेस यहाँ पे चाहे रियासी की बात हो या वो, हमारा इस बार रैली हमने इंटरनली डोर टू डोर जाके यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, और यहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी एक पार्टी, वो पार्टी है जो पूंजीपतियों की पार्टी है, इनके पास फाइनेंशियल फंड इतना है आज की डेट में, इनका अगर सरकार में आए हुए 7 साल हुए हैं और आज देश का सबसे महंगा ऑफिस जो है वो बीजेपी का है, तो ये पूंजीपतियों की सरकार है, उसका रिजल्ट ये भी है जो कृषि कानून ये लाए हैं अडानी और अंबानी के लिए, ताकि सारी ज़मीनें और एग्रीकल्चर को भी हड़प लें, तो पूरा देश का किसान आज सड़कों में खड़ा है, तो इनको झंडे डंडे पैसों की तो कोई कमी होगी नहीं, क्योंकि जितना भी ब्लैक मनी है, जितना भी हवाला का पैसा है, वो बीजेपी प्रचार के लिए, MLAs को खरीदने के लिए 50-55 करोड़ जो आते हैं, वो इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो वो तो फर्क नज़र आएगा ही। तो सर, आपने कहा पूंजीपतियों की पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पर भी आरोप लगता है कि कांग्रेस ज़्यादातर सत्ता में रही है देश में, और उनके जो नेता हैं या यूथ कांग्रेस के नेता हैं उनको प्रदर्शन करने की एक आदत ही नहीं है, या फिर ज़मीनी स्तर पर लोगों के मुद्दे किस तरह से उठाने हैं वो उन्हें पता नहीं है, उन्हें सिर्फ सत्ता का ही पता है। तो क्या ये भी एक रीज़न है जो आरोप आप पे लगते हैं? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा जनता की आवाज़ उठाने का काम किया है, चाहे सरकार में हो या ना हो, चाहे अपोजिशन में हो। हाँ, एक मसला बनाना या इशू बनाना, जैसे हिंदू मुसलमान हो गया,
मतलब धार्मिक रंग देना या कोई और रंग दे देना, किसी जातिवाद का रंग देना, ये कांग्रेस को नहीं आता, ना हम सीखेंगे, चाहे बेशक इसके लिए वोट हमें कम मिले आने वाले समय में, लेकिन लोग समझ जाएंगे मुद्दों पे कांग्रेस ने काम किया है। अब चाहे आप बात करें न्यूक्लियर डील की, हम अपनी सरकार यूपीए 1 खोने वाले थे, लेकिन मनमोहन सिंह जी अटे रहे कि न्यूक्लियर डील चाहिए, वो भारत का भविष्य है, न्यूक्लियर डील ली, अगर सत्ता का लालच होता तो नहीं करते। तो कांग्रेस ने हमेशा देश की तरक्की के लिए काम किया है। मैं बताना चाहूँगा, जब हम आज़ाद हुए तब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। आज जो बीजेपी पाकिस्तान पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, अरे क्या पाकिस्तान, पाकिस्तान का कभी आप सचिन तेंदुलकर की कंपैरिजन किसी गली के प्लेयर से करोगे क्या? तो वैसे ही आप भारत की तुलना पाकिस्तान से क्यों करते हो? हम एक साथ आज़ाद हुए थे और आज भारत कहाँ है? अगर कांग्रेस 70 साल तक पावर में रही तो आज हम न्यूक्लियर पावर हैं, आज हमारे पास सैटेलाइट्स हम बना रहे हैं, सबसे सस्ती कहते हैं ग्रेविटी मूवी से ज़्यादा कम पैसों में हम सैटेलाइट्स बना देते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स हमारे पास हैं, आईटी सबसे ज़्यादा हमारे पास है, सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट हमारे पास हैं। तो आज अगर इंडिया सुपर पावर है तो इसमें किसी का तो विज़न था? आज आप पाकिस्तान को कंपेयर कीजिए, आज की डेट में कंघी तक वो खुद नहीं बनाते, वो भी अमेरिका से आती है, और हम सैटेलाइट्स प्लेन्स जेट्स खुद तक बनाते हैं। तो ये एक लीडरशिप का विज़न ही तो था, नहीं तो वो दो देश जो एक साथ आज़ाद हुए और एक भारत आज यहाँ पहुँच गया और पाकिस्तान यहीं है, तो इसमें इतना फ़र्क इसलिए ही है। कंपैरिजन आपका कहना है कि नहीं किया जाना चाहिए? अरे करना ही, किस बात का करना चाहिए, ये कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली, पाकिस्तान और इंडिया का क्या कंपैरिजन है? अब बीजेपी वाले बोलते हैं पाकिस्तान को खुद ही मरा हुआ देश है, उनकी क्या औकात, उनका जीडीपी अगर आप देख लीजिए, ज़्यादातर लोग वहाँ पे उनको बेचारों को खाली पेट सोते हैं वो लोग, यहाँ का जीडीपी देख लीजिए, यहाँ के लोगों की डेवलपमेंट देख लीजिए, यहाँ पे कितनी तरक्की हुई है, पाकिस्तान से कंपेयर करके हम अपनी ही बेइज्जती कर रहे हैं। हमारी भारत का अगर आज कोई कंपैरिजन है, हम अमेरिका से कर सकते हैं, चाइना से कर सकते हैं, क्योंकि हम डेवलपिंग नेशन है। अगर यूपीए 1-2 की बात करें तो जो ग्रोथ रेट था पूरे दुनिया में, भारत दूसरे नंबर, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे जीडीपी कांग्रेस के समय यूपीए 1-2 में भारत का था। तो हम वो देश हैं जो चाइना से लड़ रहे हैं, अमेरिका से, जिनका कंपेरिजन हो रहा है, आप पाकिस्तान से कंपेरिजन करके भारत की इंसल्ट ना कीजिए। तो उदय भानु चिप जी 370 पर क्या सोचते हैं, क्या ये सही फैसला था या गलत फैसला? देखिए 370 बीजेपी ने हटाया, उनके मैनिफेस्टो में था, उन्होंने हटाया, लोगों ने शायद इसलिए वोट दिया होगा, लेकिन सही फैसला था या गलत? नहीं, जिस तरह से उन्होंने हटाया वो गलत था। अगर उन्हें हटाना था तो यहाँ पे बीजेपी के एमएलएस थे, वो असेंबली में हटाते तो हमें लगता डेमोक्रेटिक वे से हुआ है, जिस तरह से हटाया वो गलत है। बाकी हम 370, उसको 370 बोल दो, 80 बोल दो, 420 बोल दो, जो बोलना बोलो, हमें तीन चीज़ें चाहिए, हमें हमारी स्टेट वापस चाहिए, हम नहीं चाहते लोग यहाँ पे बलिदान दे दे के, चाहे तेलंगाना जब आंध्र प्रदेश से बना तो बहुत लोगों ने बलिदान दिया तो तेलंगाना अलग स्टेट का दर्जा उनको मिला, एक राज्य का दर्जा, हमारे पास राज्य का दर्जा था और डोगरा आइडेंटिटी थी हमारी, डोगरा स्टेट थी महाराजा हरि सिंह जी की, वो आपने हमसे हमारी आइडेंटिटी छीन कर आपने यूटी बना दिया, आपने सबसे बड़ा तो बेइज्जती डोगरों की की। दूसरा, दो चीज़ें जो महाराजा हरि सिंह जी हमारे लिए छोड़ के गए थे, एक विजनरी राजा थे कि जम्मू के लोगों के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए, बाहर के लोग यहाँ कब्जा ना कर लें, इसलिए ज़मीनें जो हैं उनकी सुरक्षित रहें, बाहर वाले नहीं खरीद पाए, वो महाराज जी का कानून हमें वापस चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो युवा हैं उनकी सरकारी नौकरी लोकल युवाओं के लिए रिजर्व रहें, बीजेपी ने ये हमसे हटाकर यहाँ के युवाओं के साथ धोखा दिया है। और अगर ये बोलें एक संविधान एक विधान, अगर वैसी बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जी ने वहाँ पे लोकल यूथ के लिए रिजर्व कर दी, सर हरियाणा में लोकल यूथ के लिए इन्होंने लोकल यूथ के लिए गवर्नमेंट सरकारी नौकरियाँ रिजर्व कर दी। तो हमारे पास जो सालों से जो महाराजा जी ने ये कानून लाए थे, ये आपने हमसे क्यों छीना? ऐसी क्या दुश्मनी है आपके जम्मू कश्मीर के युवाओं से कि इनके हक आप इनसे छीन रहे हो? इसकी लड़ाई तो हम लड़ेंगे। ये तीन चीज़ें अगर हो जाती हैं तो आप 370 के फैसले के हक में फिर हमें कोई परवाह नहीं है, फिर हम आप उसको 370 हटाओ, 390 करो, 340 करो, हमें कोई लेना देना नहीं है, ये तीन चीज़ें हमें चाहिए। जी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के प्रधान उदय भानु चिप जी, हमने इनसे तमाम सवाल किए, इन्होंने भाजपा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। रियासी जिले की तमाम खबरों के लिए बने रहें रियासी अपडेट्स के साथ। नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।